जिनी जिनी क्या हुआ स्वीटी पाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये सब क्या है? और ये देखो, ये सारा का सारा सामान बिखरा हुआ है, हो क्या रहा है? मैं आज की मॉडर्न लड़की हूँ और आज की मॉडर्न लड़कियाँ काम नहीं करती, सारा काम अपने साथी से करवाती है, तो ये सब आपको करना है। शुरू हो जाओ। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? आपने। मैंने? हाँ, आप ही ने तो कहा था ये मैगजीन पढ़ने के लिए, किसी में तो सब लिखा है। यस साहब हैं घर पे। मैं ही साहब हूँ, बोलिए। मिसेस विक्की खन्ना के लिए पार्सल आया हुआ है। मिसेस विक्की खन्ना? मेरे लिए। और ये बिल इनके लिए। थैंक यू भैया। सर ये बिल। बिल? हाँ बिल। 9999? जी सर। अच्छा ये सर चेंज काहे की? 9999 का बैलेंस। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। जो काम तुम पलक झपकाकर कर सकती हो, उसके लिए इतना खर्चा क्यों करवाया तुमने? क्योंकि आजकल की मॉडर्न लड़कियां सारा खर्चा अपने साथी से करवाती है। ये किसने सिखाया तुम्हें? आपने। मैंने? आप ही ने कहा था ना ये मैगजीन पढ़ने के लिए, भूल गए? जूजू कहाँ खो गए? मैं तैयार हूँ, डिनर के लिए चले। हाँ श्योर, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये सब आज तुम ठीक कर लो, कल से आधा काम मैं करूंगा। ओके ओके। चले। यस सर, प्लीज कम, प्लीज कम। वेलकम मैम। जूजू हाँ। ये जगह कितनी अच्छी है, हम रोज खाना खाने यहीं आएंगे। देखो जीनी, ये बहुत अच्छी जगह है, पर रेस्टोरेंट में रोज खाना नहीं खाया जा सकता। अच्छा, तो रोज साथ में तो खा ही सकते हैं ना? हाँ जीनी, इसके बारे में सोचा जा सकता है। सुनो जीनी, तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हें जो चाहिए मंगाओ। ये? इसे मेनू कहते हैं। ऐसे नहीं, ये ऐसे। वैसे एक बात कहूं तुम्हें, तुम थोड़ी सी पागल जरूर हो, पर क्यूट हो। क्यूट? हाँ प्यारी, बहुत प्यारी। थैंक यू, क्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। आपका ऑर्डर सर? जो चाहिए मंगवा। वन पोलांट्रो कैसरोल, वन थाई सैलेड, वन पनीर आला ट्रिपोली हेजलनट एंड वन एप्रिकॉट चटनी। जूजू अब आप भी मंगाओ। Thank you.
खाओगे? तुम ये सब पहले खा चुकी हो? नहीं। तो इतना सब कुछ मंगवाने की जरूरत क्या है? जूजू, ये यहाँ की सबसे महंगी डिशेज है। आज की मॉडर्न लड़की का टेस्ट हाईफाई और एक्सपेंसिव होता है। अरे पर तुम्हें आज की मॉडर्न लड़की बनने की जरूरत क्या है? जूजू, अगर प्रिया ये सब ऑर्डर करती तो आप ऐसे बोलते क्या? अरे पर तुम प्रिया जैसी क्यों बनना चाहती हो? जूजू, क्योंकि वो एक नाइस रेस्टोरेंट है। और यू नो व्हाट, तुम्हें यहाँ विकी के साथ आना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रही है? कौन क्या कर रही है? देखो ये यहाँ क्या कर रही है? वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ। प्रिया, तुम्हें यहाँ पर खाना विकी के साथ खाना चाहिए। मुझे विकी के बारे में कोई बात नहीं कर रही। ओके। चिकी, अगर प्रिया ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ फिर से देख लिया ना तो सब मैं तुम्हें भी बताऊं। मुझे उसे यहाँ से ले जाओ। ठीक है, रुको। अरे करो ना कुछ। क्या करते हो यार? I'm really sorry. Yeah. जूजू, देखा? स्वीटी पाई ने हमें देखा ही नहीं। ये क्या किया तुमने? जूजू, स्वीटी पाई देख लेती तो मैंने तुमसे क्या कहा था करने के लिए और तुमने क्या हुआ? जूजू, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? तुमने आज जो कुछ भी किया ना जीनी, अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जादू से कुछ भी कर सकती हो, भले ही वो गलत क्यों ना हो? आपको क्या लगता है मैं अपने जादू का गलत इस्तेमाल करूंगी? हाँ, अगर मुझे अपने जादू का गलत इस्तेमाल करना होता ना तो आपको और उस स्वीटी पाई को पलक झपकाते मैं अलग कर देती। अच्छा, कैसे? जीनी, जीनी, तुम मतलब मैं तुम? हाँ, आप मैं। हाँ? आवाज भी सेम टू सेम। सेम टू सेम। जीनी, जीनी तुम करने क्या वाली हो? जूजू, मैं सीधे जा रही हूँ प्रिया के, मतलब मैं सीधे जा रहा हूँ प्रिया के यहाँ। देखो जीनी, तुम उसे कुछ नहीं, बहुत कुछ कहूंगी स्वीटी पाई को। मतलब आप बहुत कुछ कहोगे स्वीटी पाई को। वैसे तुम क्या कहोगी स्वीटी पाई को? यही कि जब देखो तुम मुझ पर रोब जमाती रहती हो जैसे तुम मेरी बॉस हो। और ये भी कहूंगी कि तुम एक नंबर की मतलबी हो, गुस्सेबाज, नकचड़ी, अकड़ू, अड़ियल। क्या? हाँ, और ये भी, जूजू उसे क्या कहते हैं? उसे किसे? अरे उसे जो किसी की बात ना सुने। जिद्दी? हाँ, ये भी कहूंगी कि तुम एक नंबर के जिद्दी हो। पर वो ऐसी नहीं है। वो ऐसी ही है जूजू, लेकिन वो तुम ऐसी दिखती नहीं। देखो जीनी, कुछ नहीं देखूंगी मैं। आपने मेरा दिल तोड़ा है ना? जरा सोचिए, ये सब कुछ मैं प्रिया से कह दूं तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा। शायद प्रिया मुझसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सच? पता है क्यों? नहीं। क्यों?
क्योंकि अपने जादू के सहारे मैं कुछ भी पा सकती हूँ, लेकिन वो नहीं। क्या? सच्चा प्यार, जो उस प्रिया के चक्कर में आपको दिखाई नहीं देता। जीनी, मैं बस जोजू, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। जूजू को मेरा प्यार कभी नहीं दिखाई देगा, वो हमेशा उस स्वीटी पाई के आगे पीछे घूमते रहेंगे और उस स्वीटी पाई मेरे जूजू को अपने आगे पीछे घुमाती रहेगी। ऐसी क्या खास बात है उस स्वीटी पाई में? को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उसका प्यार जीतने के लिए, दिल में जगह बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने पैरों पे ऐसी खड़ी हूँ जैसे प्रीति खड़ी हुई जिसके अखबार में हेल्प वांटेड नाम का कॉलम पड़ा। एक स्टोर में सेल्स गर्ल की जॉब की और 5 साल में उस कंपनी की डायरेक्टर बन गई। ये डायरेक्टर क्या होता है? जो भी हो, मुझे भी प्रीति की तरह अपने पैरों पे खड़ा होना है, पैसे कमाने, अपने जूजू का प्यार पाना है, वो भी कल सुबह। ड्रिंकिंग एंड थिंकिंग, अगर वो लड़की सचमुच में भूत आए तो हम दुनिया का पहला मानुष होगा जिसको भूत दिखता है बाबा। लेकिन एक बार फाइनल कॉन्फर्म करना पड़ेगा। बाबा, ये तो इंटेलेक्चुअल भूत है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। सेल्स गर्ल चाहिए किंगस्टो में, जॉब मिलेगा बिना अनुभव के भी। तो मैं बिना अनुभव की जीनी यहाँ क्या कर रही है? अरे ठाकुर, तुम फिर से दूरबीन से दूसरों का घर में झांक कर लड़की ढूंढ रहे? कुछ दिखा? नहीं, कोई होगा तो दिखेगा ना। लड़की तुम्हारा दिमाग में है, तुम्हारा दिमाग में। अंदर चलो, जाला साफ करेगा। चलो। नहीं दिखा, तुग्गा को भूत नहीं दिखा, क्योंकि भूत सिर्फ कुछ लोगों को ही दिखता है जिनके पास स्पेशल पावर होता है। बाबू, अगर ये बात दुनिया को पता चलेगा तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा, हम तो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। पहले ग्लोबल, फिर नोबल, जो भी पुरस्कार हमको ही मिलेंगे। अजय, जाले साफ करो। जिनी, 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 मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। जिन, लगता कल रात से नाराज है अभी भी। जिनी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। जिनी, मैं वेट कर रहा हूं। ये किसने मार्क किया?
थिंक स्टोर में सेल्स गर्ल चाहिए, जॉब मिलेगा बिना अनुभव के। ओह गॉड, कहीं जो मैं सोच रहा हूं जिनी वो। और मैं तुम्हें तुम्हारा शिक्षण दिखाता हूं, ये देखो। ये किचन अपलायंस सेक्शन है। है? ये तुम्हारा सेक्शन है, तुम यहाँ की सेल्स गर्ल हो। लोग यहाँ पे सामान लेने आएंगे, तुम्हें उन्हें सामान बेचना है। अगर समझ में आया तो बोलो ओके। ओके। तुम्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, हर सेल पर कमीशन मिलेगा। अगर मंजूर है तो बोलो ओके। 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 ये मेरा सेक्शन है और यहाँ पे जो भी आएगा मुझे उसे ये सामान बेचना है, तो पहले मैं तो देखूं कैसे चलता है ये बात। ये क्या कर दिया तुमने? मैं तो बस देख रही थी कैसे कैसे चलता है। तुम्हें पता नहीं कि मिक्सर ग्राइंडर कैसे चलते हैं? आई थिंक तुम्हारे लिए ये सेक्शन सही नहीं है। तुम आओ मेरे साथ, चलो। कम डॉक्टर, कम आओ, हैव अ सीट। क्या हुआ डॉक्टर, तुम ठीक तो हो? हाँ भी और नहीं भी। मतलब? मतलब कि मेरा बॉडी तो ठीक है लेकिन मेरा मन उदास है। तुम्हारा मन क्यों उदास? इस कंपनी में किसी को खांसी या छींक भी हो जाए तो मैं कितना चिंतित हो जाता हूँ, वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। सो तो है, और मेरी किसी को चिंता नहीं है। हा? मैं इतना चीखते चिल्लाते सबको बोल रहा था कि मैं मर रहा हूँ, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, कोई हॉस्पिटल में मिलने नहीं आया। नहीं 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 डॉक्टर, डॉक्टर ये गलत है। मैं मिनट बाय मिनट मोबाइल पर तुम्हारे हेल्थ की रिपोर्ट ले रहा था। मुझे तुम्हारी चिंता है डॉक्टर। डॉक्टर इसीलिए तुमने डॉक्टर मर्चेंट को बुलाया? डॉक्टर मर्चेंट को मैंने इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें आराम मिल सके। लेकिन मुझे कैप्टन विकी की और टेस्ट लेनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू नो समथिंग डॉक्टर, विकी की हेल्थ की वजह से तुम अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। एंड नाउ दैट विकी कैन फ्लाई, तो प्लीज रिलैक्स। लेकिन मैंने अभी तक उसको क्लियरेंस नहीं दिया है। डॉक्टर डॉक्टर, आज के बाद तुम विकी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करोगे, तुम सिर्फ रेस्ट करोगे, ओनली रेस्ट, एंड दैट्स एन ऑर्डर, ताकि तुम्हारी हेल्थ और हमारी कंपनी दोनों की हेल्थ सही रहे। सो टेक केयर डॉक्टर। काश प्रताप समझ सकता कि गड़बड़ है, विकी के केस में बहुत गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है मैं पता लगा के रहूंगा लगा के पता। देखो ये है वैक्यूम क्लीनर। से क्या होता है? Oh God, ये बिना अनुभव के लोग, इससे घर या ऑफिस की सफाई होती है। मैं बताता हूँ, इस बटन को दबाते हैं, ये देखो ये चालू हो जाता है, इससे अब ये हवा जो है कचरे को अंदर ले लेती है, समझे? अब देखो कोई गड़बड़ मत करना। जानू, मुझे यही वाला वैक्यूम क्लीनर चाहिए, इसका एक मैंने कल टीवी पर देखा। ठीक है जानू, जैसा तुम कहो। ये वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छा है, पता है ये सारा कचरा खींच लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.